नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। किसी भी लग्न की कुंडली में जानिए केंद्रम योग का किस्मत कनेक्शन। किसी भी लग्न की कुंडली में चंद्र जिस राशि में होता है उसके दूसरे और बारहवें भाव में सूर्य के अलावा अन्य कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग होता है, अर्थात चंद्र के दोनों ओर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि में से कोई ना कोई ग्रह होना आवश्यक है। ऐसा नहीं होने पर दुर्भाग्य का प्रतीक केमद्रुम योग बनता है। इस योग के विषय में जातक परिजात नामक ग्रंथ में कहा गया है कि योगे केमद्रुमे प्रापो यस्मिन कश्चि जातके राजयोगा विशिषंति हरि दृष्ट्वा यथा दुशा, अर्थात जन्म के समय यदि किसी कुंडली में केमद्रुम योग हो और उसकी कुंडली में सैकड़ों राजयोग भी हों तो वह भी विफल हो जाते हैं, अर्थात केमद्रुम योग अन्य सैकड़ों राजयोगों का प्रभाव उसी प्रकार समाप्त कर देता है जिस प्रकार जंगल में सिंह हाथियों का प्रभाव समाप्त कर देता है। इस योग के जन्म कुंडली में विद्यमान होने पर जातक स्त्री, संतान, धन, घर, वाहन, कार्य, व्यवसाय, माता, पिता, अन्य रिश्तेदार, अर्थात सभी प्रकार के सुखों से ही होकर इधर उधर व्यर्थ भटकने के लिए मजबूर होता है। जन्म कुंडली के केमद्रुम योग और केमद्रुम भंग योग दोनों होने पर जातक को ग्रहों की दशा, अंतर दशा में दोनों ही प्रकार के फलों का सामना करना पड़ता है। इस योग का अध्ययन करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की कुंडली बहुत बड़ा उदाहरण है। श्री रामचंद्र का जन्म कर्क लग्न में हुआ था। गुरु एवं चंद्र लग्न में तीसरे भाव में राहु, चौथे भाव में शनि, सप्तम भाव में मंगल, नवम भाव में शुक्र केतु, दशम भाव में सूर्य, एकादश भाव में बुध विराजित हैं। कर्क लग्न वाले जातक स्वतः भाग्यशाली होते हैं, साथ ही लग्नस्थ चंद्र के दोनों ओर द्वितीय और द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है, अतः केमद्रुम योग विद्यमान प्रतीत होता है। इस योग के विपरीत चंद्र की राशि कर्क स्वयं लग्न भाव में है, साथ में ही स्वग्रही चंद्र भी केंद्र में शक्तिशाली होकर विराजित हैं, जिसके साथ बृहस्पति भी हैं। चंद्र की उच्च राशि मकर भी सप्तम भाव स्थित केंद्र स्थान में ही है, अर्थात केमद्रुम योग भंग की एक दो नहीं वरन समस्त शर्त विद्यमान है। इन सब के अलावा केंद्र में बृहस्पति उच्च का होकर पंच महायोगों में श्रेष्ठ, हंस योग, शनि उच्च का होने से शश योग, मंगल उच्च का होकर केंद्र में होने से चक योग को बताता है। इसके अलावा गुरु चंद्र मिलकर ज्योतिष का सबसे महान गज केसरी योग भी बनता है, साथ ही सूर्य भी अपनी उच्च राशि में होकर अपने कारक स्थान में उपस्थित हैं, शुक्र भाग्य भाव में होकर अपनी उच्च राशि में हैं, अर्थात इस प्रकार के महान योग किसी अलौकिक व्यक्तित्व के जन्म की कुंडली में ही हो सकते हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित दयानंद शास्त्री के अनुसार इन महान योगों के होने के बाद भी भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर इस भयानक योग के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। भगवान श्री राम के राजतिलक के समय शनि महादशा में मंगल का अंतर चल रहा था, तब राजतिलक होते होते श्री राम को वनवासी राम बनना पड़ा, अर्थात हम जैसे लोगों के लिए तो इस योग का असर और भी भयानक होगा। इस योग के होने पर इसका निराकरण आवश्यक है। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए जब भी कोई मुसीबत या असफलता मिलती है तो दूसरों की अपेक्षा इस योग के पीड़ित को कई गुना महसूस होती है। इस योग के चलते थोड़ी सी असफलता से जातक डिप्रेशन एवं मानसिक रोगों का भी शिकार हो सकता है। इस योग के कारण जीवन में अधूरापन रहता है। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।